भाभी प्लीज शादी तो करनी पड़ेगी तेरे को। अरे अरे ओ भाई ओ, ओ क्यों मार रहे इसको? ये हमारे घर का मैटर है, आपने बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम घर का मैटर है, घर में जाकर लड़ाई करो ना, क्यों रोड पे तमाशा कर रहे हो? बड़ा बीच में बोलना रह गए, अपनी गाड़ी लेकर जाता क्यों ना, क्यों बीच में बोल रहे है? भैया ये मेरी वजह से शादी करवा रहे, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। भैया की शादी तो रोक देगा। एक मिनट मैडम, मैं पुलिस के पास फोन करता हूँ, ऐसे नहीं मानोगे तुम। कौन थे? भैया भाभी थे मेरे, और मेरे जिससे शादी हो रही है ना वो 50 साल का, और ये पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रहा है। मैं घर नहीं जाऊंगी भैया, प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी। कोई बात नहीं, आप रो मत, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ पे छोड़ना है आपको? आगे तक छोड़ देना, बस स्टैंड पे। ठीक है बैठो आप। थैंक यू। बस यही रोक दो। वो तुम्हारे भैया भाभी थे तो तूने उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? कंप्लेंट तो करी थी पर उनके खिलाफ कोई कारोबारी नहीं होती, उनकी पहुंच इतनी है। अब क्या बताऊं यार, सबके घर की अलग अलग हिस्ट्री है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, आप मुझे यहाँ तक लेके आए। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी इंसानियत के नाते हेल्प की है। ये सामने बस स्टैंड है, यहाँ से बस पकड़ लेना। बस तो मैं पकड़ लूंगी, पर ये जितना गोल्ड पहन रखा वो तो निकाल के दे दे। ये क्या बदतमीजी है? अबे ओ मतलब सब बता दूंगी, चुपचाप गोल्ड और कैश निकाल के दे चल। अरे कमाल कर रहे हो मैडम, एक तो मैंने आपकी हेल्प की, ऊपर से मेरे ही सिर पे चढ़े जा रहे हो। अबे तेरे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? आज के टाइम पे इंसानियत है नहीं, इतना नहीं पता क्या तुझे? अब चुपचाप गोल्ड और कैश जितना भी पड़ा ना जल्दी निकाल के दे दे। देखो मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को जाने दो, मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ। और वैसे भी हमारी सारी प्लानिंग थी, और वो मेरी टीम थी, कोई मेरा भैया भाभी नहीं है वे। हमने तेरी गाड़ी आते हुए देखी और अपना काम स्टार्ट कर दिया। मतलब ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? हाँ प्लानिंग थी, हमारी यही तो काम है, आज इस शहर में कल किसी और शहर में। तो चुपचाप जितना भी गोल्ड है ना निकाल के दे दे चुपचाप। मैडम मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट। पुलिस को कॉल? वो भी तू करेगा? है तेरे अंदर इतनी हिम्मत? अरे चुपचाप दे देना गोल्ड और कैश निकाल के, जल्दी दे, जल्दी निकाल ना। एक सेकंड, देता हूँ। बताओ क्या चाहिए, मैं देती हूँ तुम्हें। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हमें फंसाया है या तुमने इसे फंसाया है? तुम्हें पता ये कौन है? इस एरिया के ना SHO हैं ये। सर आप, नहीं नहीं मैम आप गलत सोच रहे हो, मैं तो छोटा सा प्रैंक कर रही थी। और तुम्हारे खिलाफ ना थाने में बहुत कंप्लेंट आ रखी थी कि तुम लोगों का पागल बना के उनसे पैसे ऐंठते हो और उन पे ब्लेम लगाते हो। आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं हूँ मैं, और जिसकी कंप्लेंट आती है वो मैं नहीं हूँ। अच्छा वो तुम नहीं हो, अब तो झूठ बोलने की जरूरत है नहीं, समझी? ये देखो फोन, और इस फोन में ना तुमने अपने मुँह से जो जो कबूल किया है ना सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब तो पुलिस का काम और आसान हो गया, हमें सबूत इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं है अब तो। पर सॉरी मैम। अरे बस बस, वो तो तेरा चेहरा देख के पता लग रहा तू किन में से है किन में से नहीं। अब तू पकड़ी गई ना तेरा सारा ग्रुप थाने में अपने आप आ जाएगा। पर सर सुनो तो। अब थाने चलते।